है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिली ऑल इन वन। आज का वीडियो है मेकअप लुक है। अभी जो पार्टी सीजन आ रहा है, जो 25 दिसंबर या न्यू ईयर में टीनएजर्स ऐसे मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही इजी एंड सिंपल मेकअप लुक है, ज़रूर ट्राई करना, कोई भी कर सकता है ये। तो एंजॉय कीजिए वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पहले लगानी है टोनर, मैं प्लम ग्रीन टी का टोनर यूज कर रही हूँ। आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं, आप जो यूज करते हैं। अच्छे से पूरे फेस में लगा ली, फिर हाथों से थोड़ी सी टैप टैप कर ली। अभी मैं लगाऊंगी सीरम, ये विटामिन सी का सीरम है। विंटर में सीरम लगाने से फेस में अच्छा सा ग्लो आ जाता है। उसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, ये निभिया सॉफ्ट का मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर तो कभी भी स्किप नहीं करना है पार्टी मेकअप में। मैं कॉलर बार का प्राइमर यूज कर रही हूँ, और उसके बाद फाउंडेशन में फिट मी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ये सेड नंबर है 128। फाउंडेशन को पूरे फेस पे पहले मैं डॉट डॉट करके लगा लूँगी, फिर एक ब्रश के मदद से स्प्रेड कर लूँगी पूरा फेस में। फिर उसके बाद एक गीला ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि मुझे एक फ्लॉलेस लुक मिले। फाउंडेशन को जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे, उतना ही अच्छा लुक आएगा, फ्लॉलेस लुक। टाइम देना चाहिए फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर, ये फिट मी का कंसीलर है। जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है, वहाँ मैं यूज करूँगी इसे। और इसे भी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन हो या कंसीलर, टैप टैप करके ही ब्लेंड करना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं लैक्मी लूज पाउडर की मदद से उसे सेट कर लूंगी। अच्छे से पूरे कंसीलर और फाउंडेशन को सेट कर लूंगी मैं। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट यूज कर रही हूँ आईब्रो फिल करने के लिए। आईब्रो को फिल करने के बाद एक स्पूली की मदद से उसे साइज कर लूंगी। आईब्रो सेट करने के बाद आता है आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं HR का आई पैलेट यूज कर रही हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल आई पैलेट है। उसे मैं एक क्रीज कलर पिक करके पूरे आईलिड में लगा रही हूँ, आईलिड और क्रीज दोनों में ही लगा रही हूँ। उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद एक ब्राउन कलर पिक करके उसे भी पूरे आईलिड में ब्लेंड कर लूँगी, क्रीज और आईलिड में। ब्लेंड करने के बाद एक सिल्वर कलर का शिमर जो एक फ्लैट ब्रश की मदद से पिक करके सिर्फ आईलिड में ही लगाऊंगी। इसे प्रेस करके लगाना है, ब्लेंड नहीं करना है शिमर कलर को, ब्लेंड नहीं करते हैं शिमर कलर को। दोनों आईलिड में लगा लूंगी।
उसके बाद जो उसके बाद में आई के आउटर कॉर्नर में थोड़ी सी डार्क ब्राउन कलर को जो ब्लेंड कर ली। उसके बाद एक बार फिर से अच्छे से सेट कर ली सिल्वर कलर को और क्रीज लाइन को भी अच्छे से ब्लेंड कर ली ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फॉल आउट हुआ था उसे भी अच्छे से झाड़ लूँगी। उसके बाद आईलाइनर लगा लूँगी। आईलाइनर लगा ली मैंने। उसके बाद अब हम तक जो कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरे फेस को एक बार फिर से सेट कर लूँगी। थोड़ी सी हल्के हल्के ही लगाना है, अभी विंटर आया नहीं तो पाउडर पाउडर लगेगा फेस। उसके बाद मैं काजल लगाऊंगी। तो काजल लगाने के बाद वही जो ब्राउन कलर को मैं आंखों के नीचे थोड़ी सी स्मोच कर लूँगी लोअर लास्ट लाइन पे एक स्मॉल ब्रश की मदद से स्मच कर लूंगी। स्मच करने के बाद मैं मस्करा लगा लूंगी। मैं कोई भी फॉल्सेस यूज नहीं करूंगी, मस्करा ही लगा लूंगी। बस अच्छे से मस्करा लगा लूंगी लोअर लैशेस में और अपर लैशेस में। उसके बाद कॉन्टोरिंग कर लूंगी, नोज कॉन्टोरिंग। अच्छे से कर ली मैंने नोज कॉन्टोरिंग भी। फेस को भी थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर लूंगी ताकि थोड़ी सी स्लिम लगे फेस। उसके बाद ब्लश यूज करूंगी। ये स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट है। जो भी मैं प्रोडक्ट यूज की हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको चाहिए तो ले लेना। ब्लश लगा ली मैंने। उसके बाद हाइलाइटर लगा लूंगी। ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है, मेगा ग्लो हाइलाइटर, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। एक स्मॉल ब्रश के मदद से नोज पे लगा लूंगी। और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी। उसके बाद एक स्मॉल हाइलाइटर ब्रश से जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की जरूरत है वहाँ हाईलाइट कर लूंगी। देख लीजिए ग्लो फेस का। उसके बाद मैं लिप को क्लीन कर लूंगी और एक न्यूट लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। आप जितना भी मेकअप हो एक न्यूट लिपस्टिक अप्लाई करने से आपका मेकअप सब हाइड हो जाता है, लेकिन एक ब्राइट कलर का लिपस्टिक लगाने से कुछ भी मेकअप नहीं करने से भी लोग बोलते हैं वो ज़्यादा मेकअप किया है, और एक न्यूट कलर लिपस्टिक लगाने से ही मेकअप लुक चेंज हो जाता है, बोलते हैं कुछ मेकअप ही नहीं किया है। सही है ना? तो लगा ली मैंने लिपस्टिक। अभी मैं आउटफिट चेंज करके आती हूँ। देख लीजिए मेरी पूरी मेकअप कंप्लीट हो गई। ये रहा मेरी फाइनल लुक, आउटफिट और इयररिंग लगा ली मैंने। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।